नमस्कार, आपका स्वागत है मधु की रसोई में फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दही और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ शिमला मिर्च लिया है एक, और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, और इसको हमने मोटा मोटा काट लिया है, बहुत पतला पतला नहीं इसको काटना है। और फिर प्याज को भी थोड़ा मोटा ही काटेंगे, मोटा मोटा इसको हमने प्याज को भी काट लिया है। और मुझे लगा कि आधा ही प्याज में हो जाएगा, तो आधा ही प्याज मैं डाल रही हूँ, आधा मैंने साइड में रख दिया। और एक प्लेट लेंगे, उस प्लेट में मतलब शिमला मिर्च और प्याज दोनों को एक साथ रखेंगे। और फिर डालेंगे हम इसमें मसाले जो हमने डाला है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ धनिया पाउडर। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत ज़्यादा मसाला इसमें नहीं जाएगा, बहुत थोड़े थोड़े मसाले हैं जो इस सब्ज़ी को बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ज़्यादा मसाला हम इसमें नहीं डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे हम कसूरी मेथी, फिर हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। नमक और सारे मसालों को अच्छी तरह से हम हाथ से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे, मतलब चारों तरफ से अच्छे से लग जाना चाहिए शिमला मिर्च और प्याज को। तो हमने हाथ से ही इसको अच्छी तरह से थोड़ा हल्के हाथों से हम मिलाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा कस के मसल मसल के मिलाएंगे तो वो पानी छोड़ देगा, तो वो अच्छा नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने मसाला मिला दिया है। गैस पे हमने पैन रखा था, तेल डालेंगे इसमें, हमने सरसों का तेल डाला है, आप जो भी तेल डालते हैं उसको आप डाल सकते हैं, बना सकते हैं उसमें। तो हमने डाला इसमें आधा छोटा चम्मच सरसों अनुयायी, और फिर हमने डाला इसमें जो मसाले और शिमला मिर्च काट के रखे थे मिला के, वो डाल दिए तेल में। और फिर इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे कि चारों तरफ से मसाले और जो प्याज है शिमला मिर्च है वो अच्छी तरह से मिल जाए। फिर इसको हम ढक के थोड़ी देर पकाएंगे, एक से दो मिनट हो चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें बेसन, जो पकौड़े हम बनाते हैं वही बेसन है, एक चम्मच हमने डाला इसमें बेसन। इसको भी अच्छी तरह से हम चला लेंगे, अच्छी तरह से चारों तरफ से मिला लेंगे, बेसन अच्छी तरह से भून जाए। ये भी हो चुका है, मतलब बेसन मिला लिया, इसको भी हम ढक के 1 से 2 ही मिनट तक बस पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि बेसन डालने की वजह से थोड़ा सा ड्राई हो गया है, थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है, तो इसको भी हम चला लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें दही, जो घर की बनी हुई दही है, बहुत खट्टा दही नहीं होना चाहिए, तो हमने 2 बड़ा चम्मच इसमें डाला है दही। आप किस हिसाब से शिमला मिर्च और प्याज देते हैं उसी हिसाब से हमने यहाँ दही लिया है। तो मेरा एक प्याज आधा प्याज था और एक शिमला मिर्च था, तो उसी हिसाब से मैंने दही लिया है। दही बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तो उस हिसाब से मैंने डाला है यहाँ 2 बड़ा चम्मच दही। और इसको भी अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, बस चला लेंगे, अच्छी तरह से भून जाए। फिर इसको हम ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। दही को डालने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। आप देख सकते हैं कि दही ने जो थोड़ा सा घी निकल आया है, थोड़ा सा घी हो गया बाहर, इसको भी अच्छी तरह से चला लेंगे। आप देख सकते हैं कि शिमला मिर्च, प्याज, मसाला, दही जो भी है वो सारा पैन छोड़ रहा है। तो अब हम डालेंगे इसमें पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना है, क्योंकि बहुत पानी सा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा थिक ही चाहिए। तो हमने अपने हिसाब से इसमें पानी डाला है, और इसको भी हम ढक के मतलब 1 से 2 क्या मतलब थोड़ी देर के लिए ही बस पकाएंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, क्योंकि पहले से ही मसाला दही सब भुना हुआ है। इसको अच्छी तरह से हम चला लेंगे, और आप देख सकते हैं कि शिमला मिर्च और दही की सब्ज़ी कितना अच्छा बन के रेडी हुआ। मेरी बेटी को बहुत
पसंद आया ये रेसिपी। तो आप इसको चाहे रोटी के साथ खाइए, चाहे लच्छा पराठा के साथ खाइए, ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने स्पेशली मतलब अपनी बेटी के लिए बनाया था और वो लच्छा पराठा के साथ इसको बहुत पसंद आया। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड